ओके सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक हो गया आप सभी लोगों का द एसयूवी गेमिंग में। सो आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो आज मैं बेसिकली आप लोगों को बहुत दिनों के बाद जो कि मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, तो इस वजह से जो है मैं पहले तो आप सभी लोगों को एक सर्वर टूर दे देता हूँ और खुद को भी दिला लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी मतलब पता भी नहीं है सर्वर में क्या हो रहा है। तो पहले तो सब कुछ देख लेते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे। आज इस बेसिकली मैं एक प्लॉट ढूंढने वाला हूँ जो कि जहाँ पे हम एक सरप्राइजिंग चीज़ करने वाले हैं। तो वहाँ पे हम क्या बिल्ड करने वाले हैं वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो चलिए आज का गेम प्ले शुरू करते हैं। तो यहाँ पे किसी ने तो यहाँ पे मेरे घर के नीचे ये सब बना के रखा हुआ था, मैं बस थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था, यहीं पर मैंने पिछली बार रोका था गेम। तो चलिए चलते हैं, चलो आ जाओ। ओ भाई साहब, ये क्या है भाई, ये बढ़िया मतलब एकदम मस्त बनाया है यहाँ पे फूल। ओ भाई नीचे पूरा परफेक्ट। अबे यार एकदम शुरू में ही इन्होंने ना स्पीड हो गई, अच्छा खासा लूट दिया है भाई। एक इंगट और 3 नगेट, नॉट बैड। ओके भाई यहाँ पे पूरा पर्पल ग्लास लगा के एकदम मतलब ठीक है, इसको और भी नेक्स्ट लेवल हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इसका एक लेयर का यहाँ पे अभी ग्लास लगा हुआ है, इसको अगर हम मतलब ग्लास की लेयर को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे ना, तो एकदम वो स्मोक वाला जो फील है, मतलब पर्पल स्मोक है नीचे, इस तरह का कुछ फील आएगा। सो वो हम करेंगे। लेकिन भाई ये स्वॉर्ड जिसने बनाया है मस्त बनाया है, आई गेस राज ने बनाया होगा। ये बंदा बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, ठीक है, मतलब डिज़ाइनिंग में तो इसने मुझे भी पीछे छोड़ दिया है, ठीक है, लाजवाब बनाया है इसने। यहाँ पे कुछ बना रहा होगा शायद से। इस पूरे जगह को मैंने बहुत ही मेहनत से खाली किया था और इस बंदे ने इस जगह का सबसे अच्छा मतलब यूज़ किया है इसने। ये बेसिकली एक स्ट्रिंग फार्म है, यहाँ पर जैसे इसे ऑफ कर दोगे लीवर को तो देख सकते हो यहाँ से स्ट्रिंग्स जा रहे हैं और यहाँ से पूरे ऐसे स्ट्रिंग भर जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा फार्म है और यहाँ पे इस बंदे ने नेदर क्वार्ट्ज का जो है एक फार्म पूरा बना दिया है, सोल सैंड है। और यहाँ पे एक ऑटोमेटिक स्मेल्टर बना हुआ है, ये बेसिकली ये वाला ऑटोमेटिक स्मेल्टर मुझे बनाने का बहुत शौक था, क्या छोड़ो इसने बना दिया है, सर्वर में बस होना चाहिए, कोई भी बनाए क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो जगह है, ये वाला जो है ये हमारा मेट्रो स्टेशन है, ये हमारा सबवे मेट्रो है, ये मेट्रो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और जो हमारी कोलकाता में एक मेट्रो है ना गंगा के नीचे, ठीक है, वो हावड़ा मेट्रो या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का जो मेट्रो है, तो उस हिसाब से मैंने इस मेट्रो को बनाया था। तो एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, अरे यार एक आ जाओ। तो ये वाला जो मेट्रो लाइन है ये हम ट्रेडिंग हॉल स्टेशन से जैसे ही हम गोलमपुर की तरह जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा पानी के नीचे से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा कोशिश किया है पूरा मतलब हमारे कोलकाता मेट्रो की फील देने के लिए। और ठीक है यहाँ पे बिल्कुल लीवर नहीं है, यहाँ पे लीवर रखना मैं भूल गया है, चलो ठीक है ऐसा होते रहेंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ते ही ये स्टेशन गोलमपुर था और यहाँ से आगे बढ़ते ही यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, हम पहुँच गए। यहाँ पर मैंने बोर्ड नहीं लगाया, अच्छा हाँ यहाँ पर बोर्ड नहीं लगाया इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहले जो है हमारा एक्सपी फार्म हुआ करता था। यहाँ पे बहुत बड़ा एक छत मतलब अम्ब्रेला टाइप का यहाँ पे एक एक्सपी फार्म हुआ करता था, लेकिन वो मतलब अब इतना वर्थ नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने इसे पूरा तोड़ दिया और इसलिए मैंने वहाँ से ना पूरा साइन बोर्ड भी हटा लिया और उसके तोड़ने के चक्कर में यहाँ पे पूरा छत ही उड़ गया। चलो ये सब तो चलते रहेंगे, अभी मैं जल्दी से जाके आपको दिखा देता हूँ यहाँ। अब यहाँ से फिर से जैसे, और एक चीज़ देखना, यहाँ पे जितने भी तुम्हें मेट्रो स्टेशन दिख रहे होंगे ना, ये वाला मेट्रो स्टेशन बोल लो या ये वाला जो मेट्रो स्टेशन है, इनको मैंने सेम लुक देने मतलब कोशिश नहीं किया, मैंने एकदम सेम ही लुक दिया है। यार मैंने यहाँ पे नीचे नीचे एक एक सोल सैंड डाल के रखा हुआ था, किसने पता नहीं सारे सोल सैंड उठा लिए यार। ओ भाई यहाँ पे भी कुछ बना रहा है ये बंदा, भाई पूरे सर्वर में हर फार्म बना रहा है। ये कौन सा फार्म है, टी फार्म, सॉरी टी फार्म क्या होता है,
ट्री फार्म, पार्को टाइम, बूम बूम। ओ कुछ तो हुआ नीचे, कुछ तो हुआ। अच्छा ये डाई फार्म है, समझ गया, ये डाई फार्म है। यहाँ पे वो डाई फ्लावर्स रहते हैं और ये उनको नचाता है और वो यहाँ से मतलब डुप्लीकेट होते रहते हैं। ये डाई फार्म है। ओके, जो हमारी लूजा ने बनाया था उसने एक बहुत ही मस्त वाला एक फार्म बनाया है। आना गलत है, आपको दिख रहा है डेफिनेटली ये वाला जो फार्म है भाई, ये चार टावर का जो फार्म है ना भाई, एकदम मस्त। ये देखो भाई एकदम जाइगेंटिक फार्म है ये, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। मतलब तुम इधर को रहोगे तो उधर तक रेंडर ही नहीं होता पूरा। देखो अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे फेडेड टाइप का होके रखा हुआ है। तो ये ऐसा ही इतना बड़ा फार्म है ये। और यहाँ पे जो मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ, इसमें फिर भी कम आए हैं। तो यहाँ का वेदर बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, दिन को बहुत ही ज़्यादा गर्म और रात को बहुत ही ज़्यादा ठंडा, और इस वजह से ज़ुकाम हो गया। और यहाँ से मैं एक बारी मैं ऊपर जाके आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं आप ये पूरा, अरे दिन के टाइम में आता तो ज़्यादा अच्छा होता शायद। खैर यहाँ पे भी कुछ खास डिफरेंस तो है नहीं, ये बेसिकली एफ के स्पॉट है। लेकिन ये वाला एफ के स्पॉट है, लेकिन एफ के जाने की ना बहुत कुछ खास ज़रूरत पड़ता नहीं है, और ख़ास कुछ है नहीं यहाँ पे। तो ये हमारा सर्वर पूरा, अरे यार सो लेते हैं, बेकार में बारिश और रात दोनों ही हो रहे हैं। यहाँ से किसी ने मेरा एक बेड निकाल के ले गया। और हाँ एक और बात तो मैं बताना भूल गया, मैंने अभी अभी जस्ट देखा कि यहाँ पे ये जो स्काई इज़ द लिमिट है, तो ये वाला मेरा बेसिकली है नहीं, मतलब मेरा है। और ये देखो ना, ये तो फैंटम है भाई, मतलब जो है ये राज का है, ठीक है, इलाइट्रा। बंदे ने पूरा गेम बीट कर दिया भाई, उसने इंड ड्रैगन को हरा दिए, पूरे गेम को बीट कर दिया और अब गेम खेल रहा है। मतलब हम लोग कहाँ पे हैं, हम तो मतलब छोड़ ही दो, मैं खुद गेम में बहुत दिनों के बाद आया हूँ। क्या ही कर रहा हूँ। हाँ बेसिकली आज मैं एक स्पॉट ढूंढने वाला हूँ, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि आज मैं एक स्पॉट ढूंढने वाला हूँ। और यहाँ पे हाल ही में कल ही हमें एक न्यूज़ मिला है, जो हमारा कॉलेज है RKMVCC, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेंटिनरी कॉलेज रोहड़ा। तो यहाँ पे इस कॉलेज को मतलब नैक विज़िट हुआ था हमारे इस ईयर में, और इसको कल ही रिज़ल्ट आया है नैक का। तो हमारा कॉलेज A++ की ग्रेड में चला गया है। तो मतलब ये हमारे कॉलेज के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, और इसीलिए जो है मैं इस अचीवमेंट को माइनक्राफ्ट में सेलिब्रेट करना चाहता हूँ बहुत ही बड़े तरीके से। और इसलिए मैं माइनक्राफ्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ा प्लॉट ढूंढने वाला हूँ, जहाँ पे मैं अपनी कॉलेज का जो रेप्लिका है उसे मैं बनाऊँगा। जी हाँ, मैं अपने कॉलेज का पूरा रेप्लिका माइनक्राफ्ट के अंदर बनाने वाला हूँ। तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है ये मुझे कितने दिन लगेंगे, या फिर जो है ये कितना वक्त लेगा, कितने एपिसोड्स लेंगे, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट पहली बार करने वाला हूँ। और जो है ये मतलब ये 100 दिन का भी हो सकता है, 200 दिन का हो सकता है, 500 दिन का हो सकता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो अगर आपने हमारा कॉलेज नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक डाल दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। हमारा कॉलेज का एक ड्रोन वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि हमारा कॉलेज कितना बड़ा है। वहाँ पे 3-4 बिल्डिंग्स है, तो मतलब इट्स गोना बी ए क्रेजी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे माइनक्राफ्ट में करने वाला हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं मुझे इस सर्वर के ऊपर, मतलब इस मेन लैंड के ऊपर
इतना बड़ा जो है मुझे लैंड मास नहीं है यहाँ पे, और एकदम प्लेन लैंड मास भी चाहिए होगा, तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पे, एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लैंड मासेस थे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा जाइगेंटिक यहाँ पे हमने ट्रेडिंग हॉल बना दिया, यहाँ पे इसने अपना घर बनाया हुआ है, और यहाँ पे हमारा आयरन फार्म है, यहाँ पे बीच में छोटे छोटे फार्म्स बन रहे हैं, वहाँ पे हमारा पीवीपी एरिना है, उसके बाद हमारा एक मैसिव जो है हमारा हॉर्स रेसिंग ट्रैक है। तो इस आइलैंड में अब इतना बड़ा जगह बचा ही नहीं है। सो मुझे, मेरे पास अभी दो ही ऑप्शन है, या तो मैं इस आइलैंड को छोड़ के दूर कहीं पे चला जाऊँ, या फिर इस आइलैंड के बगल में ही इस आइलैंड के बगल में बहुत ही बड़ा एक ओशन है, तो वो भी मेरे लिए एक पॉसिबिलिटी है कि मैं ये सब छोड़ के पूरा ओशन के अंदर जाके, ठीक है, ये जो पूरा ओशन है यहाँ पे मैं ब्लॉक्स लगा के एक बहुत ही बड़ा एरिया बना कर वहाँ से मैं पूरा काम शुरू करूँ, मतलब कॉलेज को बिल्ड करना। लेकिन वो मैं एक्चुअली करना नहीं चाहता, क्योंकि हमारा कॉलेज थोड़ी ना ओशन के बीचों बीच है, तो इसलिए मैं लैंड मास के ऊपर करना चाहता था। लेकिन अगर हमें कोई लैंड मास मिलता ही ना हो, तो मजबूरन हमें ओशन के बीच ही करना पड़ेगा ये छोटे मोटे लैंड है। सो ये जो मेरे घर का बैक साइड है, और ये मेनली जो हमारा मेन लैंड है उसका एकदम फ्रंट साइड है, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम पूरे बिल्कुल यहाँ पर जो है हमारा फार्म बना सकते हैं, फार्म क्या बोल रहा हूँ, हमारा कॉलेज बना सकते हैं। सो ये एक हिडन प्रोजेक्ट भी होगा। सो ये कॉलेज मैं बनाने वाला हूँ। सो चलिए अगले वीडियो में हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मुझे ढेर सारी माइन करना पड़ेगा। चलो ठीक है, और ज़्यादा मेहनत नहीं करते, अगले वीडियो से हम यो अपना कॉलेज बनाने का प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। और यहाँ पे भी मैं थोड़ा जो इसको डेकोरेशन है वो भी कर दूँगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्मोकी इफेक्ट डाल देंगे। सो गाइस, आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हमारे सर्वर की डेकोरेशन या सर्वर के जो फार्म्स है ये पसंद आया है, या अगर आप इसमें से कोई फार्म का जो ट्यूटोरियल है वो चाहते हैं, तो आप ज़रूर से बोलना, मैं खुद राज से बात कर लूँगा, ठीक है, उससे मैं खुद सीख लूँगा और फिर बना लूँगा। या फिर कुछ फार्म्स है जैसे स्मेल्टर फार्म, ये वाले फार्म्स मुझे आते हैं, लेकिन वो जो उसने स्ट्रिंग फार्म बनाया है ना, मैं सच में बता रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट मुझे स्ट्रिंग फार्म के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आज का वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म।